वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो लेसन आपका 2 एक्सरसाइज, जो आपका 2.4 तो वैसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन 2 लेसन जो बहुपद है उसका हम लोग इसमें देखेंगे उदाहरण। देखिए, आपके एग्जाम में अगर बहुत ही बेहतरीन नंबर आपको लाना है, बहुत ही जबरदस्त, और मैथमेटिक्स में 90 प्लस लाना है नंबर, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज के साथ साथ, यानी जितना क्वेश्चन दिया है उसके साथ साथ उसमें जो उदाहरण दिया है उसको, और जो ऐच्छिक यानी कि ऑप्शनल जो दिया है उसको भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि ऐच्छिक में लिखता तो है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन गधा उसी में से पूछ देता है सब, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाता है, गवर्नमेंट का अपना अपना रवैया है, ठीक है, लेकिन उससे हम लोगों को कोई लेन देन नहीं है। हम लोगों को अपने मेहनत पर भरोसा रखना है, ठीक है। मेहनत हम लोगों का साथ देता है, इसके सिवा कुछ साथ नहीं देता है। ये हम लोग अपने दिमाग में फिट करके रखें, ठीक है। यहां पे उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है। ये हम वैसे बता चुके हैं, देखिएगा यहां पे, लुक एट द ग्राफ, देख लिए इसको बढ़िया से, एकदम जबरदस्त तरीका से देख लीजिए। फिगर 2.9 यहां लिख दे रहे हैं, अगर आपको शौक है तो यहां लिख दे रहे हैं। गिवेन बिलो, नीचे दिया गया है जो ग्राफ, इसमें इच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, वेयर px इज ए पॉलिनोमियल। अब px को ही है यहां पे पॉलिनोमियल, और वो जो पॉलिनोमियल बनाया गया उसका ग्राफ खुद ऑलरेडी यहां दे दिया है। पॉलिनोमियल यहां दिया नहीं है, लेकिन उसका ग्राफ क्या है ये समझ जाएगा, यही एक पॉलिनोमियल दे दिया है, ठीक है। और यहां पे बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पीएक्स, कह रहा है इसमें बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है, यानी कि फाइंड द जीरोज, यहाँ पे लिखा है ना फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आपसे एक वो चीज हम बताए थे, ठीक है, कि देखिए कोई भी लाइन हो, एक होता है एक अक्ष ये हो गया और ये वाला वाई अक्ष हो गया, ऊपर से नीचे वाई लिखते हैं इसीलिए इसको वाई बोलते हैं, साइड लेफ्ट और राइट एक इधर लिखते हैं इधर एक्स, तो इसीलिए इस लेफ्ट राइट को एक्स बोलते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स इसमें बताइए जीरोज कितना होगा, यानी शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो इस लाइन पर बताए थे जितना बार लाइन ये सट के एक्स अक्ष पर जाएगा वही एक्स का मान होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक बार यहां सटा एक्स अक्ष इसको कहते हैं, ठीक है, और यहां एक बार यहां पे 1, 2, 3 बार सटा है एक्स वाले लाइन पर, यानी कि शून्यकों की संख्या कितना हो गया, एक्स बराबर 3 नहीं, यहां शून्यकों की संख्या यानी कि जीरोज कितना हो गया 3 हो जाएगा, यानी 3 ठो इसका एक्स का वैल्यू आएगा, वही हमको बताना है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, बताइए इसमें कितना बार सटा है, तो इसमें एक बार सटा है, यानी शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज है आपका 1, ठीक है। दो नंबर देखिए, कितना बार एक्स वाले लाइन पर सटा है ये जो ग्राफ है, तो एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शून्य, यानी जीरोज कितना हो जाएगा, जीरोज यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे जीरोज मत लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा शून्यकों की संख्या, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा शून्यक ही 2 आया है, ठीक है, यहाँ आपका 2 हो जाएगा शून्यक, लिख लीजिएगा। यहाँ 3 नंबर में कितना बार एक्स पर सटा है, तो 1, 2, 3, यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 4 नंबर में देखिए, एक्स वाले लाइन पर एक ही जगह यहाँ पे क्या हुआ, इसको प्रतिच्छेद किया, इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी एक बार ही ये कटा है। यहाँ पे देखिए तो ये भी 1 हो जाएगा, एक ही बार सटा है, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये मत समझिए कि यहाँ से यहाँ तक सटा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये 1, 2, 3, 4 एक्स वाले अक्ष पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या हुआ 4 बार सटा हुआ है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कितना एक्स का मान निकलेगा 4 निकलेगा, एक्स को 4 को वैल्यू अलग अलग निकलेगा। तो जितना बार एक्स वाले लाइन पर आपका यहाँ पे सटा हुआ दिखेगा समझिएगा वही क्या हो जाएगा शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो बिना देखिए हम लोग यहाँ पहले देख लीजिए, एक मिनट ये समझ लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब बिना देर किए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका उदाहरण नंबर 2। अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, देखिए आप पढ़ चुके हैं लेकिन एक बात और आपको रिमाइंड करा दें, देखिए कभी भी अगर पूछेगा रिलेशन यानी संबंध, रिलेशन है जब भी सब, तो दो चीज में पूछता है, क्या क्या ये इक्वेशन, मान लीजिए कि ये 2 दे दिया गया है, क्या इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब पूछेगा इसमें कि जो इसका शून्यक निकलेगा, तो वो जो शून्यक एक्स का मान को कहते हैं हम लोग शून्यक, तो एक्स के मान को जब हम लोग शून्यक बोलते हैं तो वो जो शून्यक निकलेगा वो, और इसके साइड वाला जो गुणांक होगा यानी कि कोफिशियंट होगा, ये दोनों में क्या संबंध है। तो बताइए कि जो ये कोफिशियंट है जिसको ए बी सी बोलते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो हमारा शून्यक निकलेगा अल्फा बीटा, किसी फॉर्मूला में ये दोनों चीज देखने को मिलता है, कोई भी फॉर्मूला जिसमें दोनों दिया हो, अल्फा बीटा भी दिया हो और ए बी भी दिया हो। तो आपको हम बताए थे कि द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, तो बताइए ये शून्यक है कि नहीं, माइनस बी बाई ए, और एक क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए,
ठीक है, तो इस तरह से होता है। देखिए ये मल्टीप्लाई यहाँ छिपा रहता है, आपको बताए थे मल्टीप्लाई तीन प्रकार का होता है। एक वैज्ञानिक आया तो बोला कि अल्फा इंटू बीटा गुणा होगा तो होगा अल्फा बीटा, एक बोला कि बा इसको हटाइए खाली पॉइंट वा डाल देंगे ना इहो अल्फे बीटा होगा गुणा होगा, एक बोला कि तब ठीक है दोनों लिख रहे हैं आप अच्छा है आप लिखवे मत कीजिए, ये एकरो से बड़ा कांड करके गया ठीक है। ये बोला कि भाई कुछ नहीं रहेगा तब वो बीच में का छिपा रहता है गुणा छिपा रहता है ठीक है, तो आप कुछ भी लिखिए वो मल्टीप्लाई ही होता है ठीक है। यहाँ देखिए अब हम लोग को यही काम करना है, कह रहे फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण का क्या निकालना है शून्य ज्ञात कीजिए और यहाँ पे किसमें किसमें तो शून्य और यहाँ पे गुणांक के बीच में क्या बताना है संबंध, कौन सा रिलेशन है कौन सा नाता रिश्ता है यही वेरीफाई करना है। तो पहले तो हम लोग शून्य तो निकाल लें, एक्स का मान फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़िए ये हो जाएगा दस एक्स स्क्वायर, बीच वाला को ऐसे दो हिस्सा में तोड़ो कि क्या कर रहे गुणा करने पर 10 आ जाए, जैसे ये गुणा करने पर आता है ना 10 फर्स्ट इंटू लास्ट, अब इसको हम काम करते हैं ऐसे तोड़ते हैं दो पचे 10 पाँच एकम 5, तो देखिए अब ये 5 में 2 से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 5 दुना 10 हो जाएगा, अब 5 या 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखिएगा 2x प्लस 5x ये हो जाएगा 10 ठीक है। अब यहां पे हम लोग इसको कुछ कॉमन लेंगे, देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे चार हिस्सा लग गया यानी कि 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो 2 का हम लोग जोड़ा लगा दें और कुछ कॉमन निकालें, कॉमन का मतलब समझते हैं, वैसे कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, अगर उभयनिष्ठ भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर समझिए क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है यहाँ पे दोनों में जो एक जैसा मिलता है ना ठीक है वो उसको हम लोग बाहर निकाल देते, जो जो दोनों में क्या मिल रहा है एक जैसा मिले उसी को हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे दोनों में एक जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ भी क्या है ये सब एक समझिएगा इसको ठीक है, यहाँ भी एक से यहाँ भी एक से, तो दोनों में एक मिल रहा है तो एक को बाहर निकाल देंगे, तो बताइए यहाँ पे दो ठो एक से एक एक बाहर निकल गया तो एक बचा और एक एक ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे दो बचा। अब इसमें देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें देखिए क्या इसमें भी 5 का पहाड़ा में ये भी आता है और ये भी आता है यानी 5 का टेबल मिल रहा है, तो कितना बार में आता है तो एक बार में, तो एक नहीं लिखते हैं लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं आपकी मर्जी, 5 दूना 10 यहाँ तो देखिए तो दोनों सेम आए हैं। देखिए गुणनखंड का एक नियम है ठीक है कि अगर कॉमन लेने के बाद से अगर बीच वाला एक नहीं लिखते हैं दोनों अगर सेम है तभी ये सही है अदरवाइज ये आपका गलत हो जाएगा। एगो बाहर वाला लिखिए x प्लस 5 और दोनों में से कोई एक लिख दीजिए अंदर वाला तो x प्लस 2 ये हो जाएगा इक्वल टू 0 होता है, शून्य के निकालना है शून्य के बराबर कीजिए ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकल गया x का मान निकालिए, x का मान मतलब आप बोला है ना जीरोज निकालने के लिए, तो शून्य जीरोज x का मान सब एक ही बात है, एक दूसरे का सब भाई भतीजा लगेगा समझ लीजिए, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, एक वो आ गया x का मान -5 इसको आप तोड़िए x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 2, ये आ गया आपका x बराबर -2, एक को मानिए अल्फा एक को मानिए बीटा, इधर लिख देते हैं अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने तो शून्य निकाल लिया जो काम बोला आधा कर लिया, अब बताइए वो क्या रिलेशन बताना है संबंध कौन नाता रिश्ता है अल्फा बीटा और यहाँ पे किस में इसके गुणांक में, तो है नहीं दूगो फॉर्मूला यहाँ पे होता ही है ठीक है, ये दोनों एक साथ है कोई ना कोई नाता रिश्ता है तभी तो एक साथ है ठीक है, तो ये भर दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अल्फा कितना है -5 बीटा कितना है -2 बराबर, यहाँ देखिएगा बी कितना है तो बताइए बी किसको कहते हैं, आपको बता दे कि देखिए एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक मीन्स यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स में जौन अंक गुणा किया उसको ए, इसको बोलते हैं ए, यहाँ कुछ नहीं है इसको बोलते हैं हम लोग बी या इसको बोलते हैं सी, तो बताइए बी कितना है 7 है लेकिन माइनस फॉर्मूला में है तो -7, ए कितना है ए कुछ नहीं था यहाँ पे तो एक डाल दीजिएगा ठीक है, -5 प्लस माइनस -2 बराबर नीचे 1 नहीं लिखते हैं हटा दीजिए ठीक है,
माइनस पाँच और माइनस दो कितना होता है, माइनस में सेवन होता है, ये भी माइनस में सेवन। बताइए दोनों तो बराबर है, इसका शून्यक भी और इसका गुणांक दोनों बराबर है, कोई ना कोई रिलेशन तो है, दूर का रिश्तेदार है, लेकिन ये लास्ट में बराबर आ रहा है ना, लास्ट में दोनों बात एक ही आ रहा है, इसीलिए इन दोनों में संबंध है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जाँच करने के बाद यहाँ एक और चीज लिख लीजिए, अभी तो ये एक हिसाब से बराबर है, थोड़ा सा गुणांक भी देख लें। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, क्या ये बराबर होता है? सी अल्फा कितना है, माइनस में फाइव, इंटू बीटा कितना है, माइनस में टू, टू हो जाएगा। सी कितना है, तो सी है टेन, ठीक है। और यहाँ पे ए कितना है, तो ए कुछ नहीं है, तो ए वन होता है, लिखिए या ना लिखिए कोई असर नहीं। पाँच दूना कितना हो जाएगा, दस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये भी दस, दोनों बराबर है ना, ये भी प्लस में, कोई जरूरी नहीं है कि बार बार प्लस लिखा ही जाए, ठीक है। तो देखिए दोनों हिसाब से देखें, हम लोग दो बार चेक किए कि संबंध चेक करने के लिए, देखिए कोई भी संबंध किया जाता है ना तो बढ़िया से जाँच पड़ताल किया जाता है। यहाँ पे दो बार जाँच किए, दोनों में हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आया, बेहतर आया। तो अगर बेहतर है यानी कि हमारा रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है, हमारा नहीं मतलब क्वेश्चन का रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है। इस हिसाब से दोनों क्या हो गया, बराबर। तो यहां आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, जांच करने के बाद यहां पे जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन है यानी संबंध है, लिख सकते हैं यहां, जांच करने के बाद, जांच के बाद हम पाते हैं कि शून्यक और गुणांक के बीच संबंध है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद से देन एंड देयर हम लोग देखते हैं थ्री नंबर क्वेश्चन। तो अब यहां देखिए आप उदाहरण नंबर थ्री क्या कह रहा है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, पावर कितना है, दो ठो है, तो जाहिर सी बात है कि दो ठो शून्यक निकलेगा। और शून्यक निकालने के बाद फिर संबंध बताना है, किसमें किसमें रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे जीरो यानी शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है, इसका भी जाँच करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम शून्यक निकालते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, पॉलिनोमियल्स एक्स का पावर थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, शून्यक निकालना है तो एक्स का पावर दो होगा ना, द्विघात है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। अब बताइए इसमें क्या करते हैं कि देखिए दो ठो एक्स का मान कैसे निकलेगा, ये फर्स्ट इंटू लास्ट पे नहीं टूटेगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस में तीन, जीरो नहीं लिखते हैं। अब बताइए एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है यहाँ पे, हमको एक्स का मान निकालना है क्योंकि शून्य कहते हैं एक्स के मान को, स्क्वायर है इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में, लेकिन एक और बात बताते हैं, प्लस और माइनस लेके जाता है, तो एक बार लिखिए एक्स बराबर प्लस में रूट थ्री और एक बार एक्स बराबर माइनस में रूट थ्री, ठीक है। दोनों एक्स है तो एक बार इसको लिख दीजिए अल्फा, इसको लिख दीजिए बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा निकल गया, शून्यक निकल गया हमारा, ठीक है। जब हमारा शून्यक निकल गया तो रिलेशन दिखाना है, किस में, तो जीरोज और कोफिशियंट में, यानी कि गुणांक और शून्यक में, गुणांक और शून्यक में क्या संबंध है। तो अगर संबंध बताना है तो फॉर्मूला क्या होता है जिसमें दोनों आ जाए, तो अल्फा शून्यक बराबर होता है शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए। इसको गौर से देखिए, अल्फा कितना आया है, अल्फा आया है रूट थ्री, अब प्लस बीटा कितना है, बीटा आया है माइनस में रूट थ्री, ठीक है। तो माइनस प्लस एक साथ अच्छा नहीं लगता ऐसे देखने में ना, इसलिए ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। अब बताइए माइनस बी कितना है, यहाँ देखिए तो आपको बताए थे होता है ऐसे एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कोई नंबर होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाला को ए बोलते हैं साइड में, इसके साइड वाले को बी, तो ये तो है ही नहीं, यहाँ पे बी तो है ही नहीं, तो जो बी है ही नहीं डायरेक्ट क्या है, नंबर है कोई, डायरेक्ट सी दिया है और यहाँ इसके साइड वाला कुछ नहीं, तो एक ए दिया है, बी नहीं दिया तो बी जीरो मानेंगे, बी कितना है जीरो हो गया। अब बट्टा ए कितना है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा एक, एक्स स्क्वायर का साइड वाला को ए बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना एक। यहाँ देखिए रूट थ्री प्लस माइनस क्या होता है, माइनस रूट थ्री बराबर जीरो में किसी अंक से डिवाइड कीजिए वो जीरो हो जाता है, ठीक है। देखिए कहा जाता है ना कि देखिए दो टाइप का लड़का होता है, तो एक ऐसा कौन कौन गधा लड़का होता है, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा, जिसके साथ रहोगे तो उसी के जैसा बन जाओगे, तो जीरो वही है, इसके साथ जो रहेगा अपने जैसा बना देता है, गुणा करो या फिर भाग दो। लेकिन एक बात और है, जोड़ने और घटाने पर इसका वैल्यू भी होता है। देखिए
कमजोर लड़का जो भी होता है ठीक है, वही क्या कर रहा है, बार बार फेलियर होता है और उससे उसको शौक मिलता है जिसकी वजह से वो आगे चल के बहुत बेहतर करता है। ये जीरो है, इसका मतलब इसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, आगे लगने पर जीरो का वैल्यू नहीं है, लेकिन ये किसी अंक के पीछे लग जाए तो समझ रहे हो ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। रूट थ्री में से रूट थ्री जाएगा तो हो जाएगा जीरो बराबर जीरो। देखिए तो रिलेशन है ना, संबंध है ना, इसमें और इसमें यानी कि शून्यक और गुणांक है, ये गुणांक तो है, देखिए तो इसके साइड वाले को गुणांक बोलते हैं, गुणांक है ठीक है, तो ये संबंध है तभी क्या है यहाँ पे दोनों बराबर आया। अब एक और फॉर्मूला इसका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा कितना तो हो जाएगा प्लस में रूट थ्री इंटू बीटा कितना माइनस में रूट थ्री इज इक्वल टू सी कितना है तो सी डायरेक्ट थ्री दिया है ठीक है, और यहाँ पे ए कितना है तो वन दिया है, इसको गुणा कीजिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, रूट थ्री में रूट थ्री से तो जब एक ही जैसा नंबर होता है स्क्वायर कर देते हैं, रूट थ्री स्क्वायर से रूट खत्म हो गया माइनस थ्री और इधर भी बचा माइनस थ्री, दोनों बराबर है यहाँ पे, यानी कि दोनों में संबंध है। तो यहाँ फिर लैंग्वेज क्या लिखिएगा कि जाँच करने के बाद यहाँ पे गुणांक यानी कि आपका क्या बोलते हैं कोफिशियंट और जीरो शून्यक में क्या है संबंध है। आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि जांच करने के बाद शून्यक और गुणांक में संबंध है ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं ठीक है। बिना देर के एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर चार, हम लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में एक नंबर छोड़ना नहीं है ठीक है, एकदम हासिल कर ही लेना है ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर चार, यहाँ देखिए उदाहरण नंबर चार जो कि कैसे ये सॉल्व होगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, उदाहरण है तो इसको बना दे रहे हैं। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर माइनस थ्री एंड टू रेस्पेक्टिवली, समझिएगा यहाँ पे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, अगर यानी कि उसका योग यानी गुणनफल का योग दे दिया है और गुणनफल सॉरी यहाँ पे योग दे दिया है और क्या दे दिया है गुणनफल दे दिया है, शून्य का जीरो का क्या दे दिया है यानी शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दे दिया है, इसका मतलब ये समझ रहे हैं ये क्या दिया है ठीक है। योग का मतलब होता है जो भी इसका शून्यक है, शून्यक क्या होता है जाहिर सी बात है जब क्वाड्रेटिक है द्विघात है तो यानी कि शून्यक एक होगा अल्फा एक होगा बीटा, ये दोनों का योग कितना दिया है यानी दोनों को जोड़ने के बाद से कितना रिजल्ट आता है माइनस दो, और दोनों को गुणा करने के बाद यानी कि गुणनफल कितना दिया है माइनस सॉरी ये दिया है माइनस तीन और ये दिया है दो दिया है ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्लस और माइनस दे दिया है और आंसर दिया है, क्वेश्चन बनाना है पॉलीनोमियल, देखिए कैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है माइनस थ्री और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट यानी होता है गुणनफल दिया है दोनों का गुणा, शून्यक का गुणनफल दिया है माइनस में सॉरी प्लस में दो। अब यहाँ बताइए दो तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, हमको क्वेश्चन तैयार करना है द्विघात बहुपद क्या होगा जब आंसर दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए ठीक है। एक चीज जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है यहाँ पे प्लस अभी नहीं देखिए क्योंकि ये डिसाइड करेगा यहाँ से, और यहाँ पे कोनो नंबर होता है तो ए होगा यहाँ पे बी होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है सी होता है, पहले एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी। अब हम यहाँ से चाहे तो भर के बना सकते हैं, यहाँ देखिए तो ए बराबर नीचे कुछ है कुछ नहीं है तो वन मान लो ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा वन एक्स स्क्वायर ठीक है, बी बराबर क्या दिया है तो माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, बी बराबर हो जाएगा थ्री तो प्लस में थ्री एक्स, बी का मान थ्री एक्स, और सी बराबर कितना दिया है सी बराबर दो दिया है ठीक है। तो एक तरह से देखें यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस में दो ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, लेकिन हम लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, आपको बताया था यहाँ अल्फा प्लस क्यों होता है ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों होता है यहाँ पे प्लस क्यों होता है क्योंकि यहाँ एक्स के साइड में बी होता है, फॉर्मूला में बी किस में होता है माइनस में, यहाँ पे होता है सी, देखिए तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पे सी यहाँ पे आता है ना तो यहाँ पे ये प्लस में होता है इसीलिए ये प्लस में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना दिया है यही है माइनस में थ्री तो माइनस में थ्री लिख दीजिएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था टू था टू लिख दीजिएगा, इस हिसाब से हम लोग देखें पहले इसको साफ साफ आपको लिख दें यहाँ पे ठीक है। अब बताइए एक्स एक्स है माइनस माइनस क्या होता है प्लस थ्री एक्स ये हो जाएगा टू, देखिए दोनों हिसाब से आपका वही आया फॉर्मूला से बनाओ या फिर ऐसे बनाओ
ठीक है, दोनों हिसाब से। तो यही बोल रहा था कि अगर जीरोस दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद आपको निकालना है। तो बताइए द्विघात बहुपद है कि नहीं, पावर 2 है, सजा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बिना देर किए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ देखिए हम लोग को क्वेश्चन है, इसमें भरना है और चेक करना है। 3x^3 - 5x^2 - 11x - 3। x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 भरेंगे। 3x का वैल्यू भरेंगे यहाँ पे 3x^3 - 5x^2 - 11x का मान और माइनस में 3। यहाँ पे गुणा की जगह तो 3 को 3 बार लिखिए, एक बार 4 बार। तो 3 × 9 = 9 × 3 = 27 कितना होता है 81 होना चाहिए, 27 ये देख लेते हैं। 3 × 7 = 21 के हो जाएगा, 1 × 2 = 3 × 6 = 2 = 8 27 = 81 माइनस। ये देखिए 3 को 2 बार लिखिएगा और गुणा कीजिएगा तो 3 × 9 और 9 × 5 = 45 माइनस 11 × 3 = 33 माइनस में 3। ये तीनों माइनस में है तो एक जात का है तो जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 3 × 3 = 6 × 5 कितना होता है 6 × 5 = 11 1 × 4 = 3 7 + 1 = 8 81 में से 81 जाएगा 0। यानी कि x = 3 इसका शून्यक है। किसका? इस क्वेश्चन का शून्य कितना दिया है? ये वाला दिया है। अब हम लोग x बराबर क्या भरे, एक बार x बराबर -1 भरे, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेगा, 3 डायरेक्ट भर रहे हैं, 1 भरिए इसका और -5 1 भरिए और माइनस में 11 × 1 माइनस होगा, सब जगह -1 होगा, ठीक है, माइनस में 3। ये हो जाएगा 3 × जब 1 को 3 बार लिखिएगा -1 - 1 - 1 तो 1 में 1 से गुणा किए सब तो एक ही हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस होता है प्लस, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1। एक चीज़ आपको और बता दें, देखिए कभी भी ये जोड़ा में नंबर दिया रहेगा तो प्लस हो जाता है। मान लीजिए कि 2 को माइनस मिलेगा एक जैसा है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे अकेले का बचा माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है एक जैसा नहीं है तो ये माइनस ही ना होगा। इसी हिसाब से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डायरेक्ट लिखते हैं और माइनस माइनस प्लस में 11 - 3, ठीक है। ये हो जाएगा -3 - 5 + 11 - 3 5 × 3 = 8 × 3 = 11 माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 11 + 11 घटाने के बाद कितना आया 0। देखिए यानी कि ये भी इसका शून्यक है। जब ये भी ऐसे ही 1/3 भरिएगा अब बनाइएगा, ठीक है, ये 1/3 x का वैल्यू इसमें भर लीजिएगा तो ये भी क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी कि ये भी इसका शून्यक होगा, ठीक है। डायरेक्ट ये समझ लीजिए क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा इस हिसाब से। अब हम लोग को बताना है कि यहाँ से देखिए देन वेरीफाई द रिलेशन, आ गया ना संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट, यानी कि शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है इसके बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है। तो बताइए तीन फॉर्मूला इसमें होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। इसमें पहले वैल्यू भरते हैं, दोनों बराबर आ गया तो संबंध है। अल्फा कितना है, अल्फा है ये एक्स के मान को तो ही बोलते हैं तो यही तो शून्यक है, ये दिया है 3 प्लस, बीटा है -1 प्लस, गामा है -1/3। प्लस माइनस अच्छा नहीं लगता है इसीलिए इसको ऐसे रख दें। अब देखते हैं बी क्वेश्चन में, देखिए बी यहाँ माइनस है तो माइनस डाल दें। बी कितना है, एक्स स्क्वायर के साइड वाले को बी यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि पहला ए दूसरा बी, माइनस में 5 है तो -5 लिख दीजिए। अब बट्टा में ए कितना है तो ए ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 प्लस माइनस हो जाएगा -1 + -1/3 = -, हो जाएगा प्लस 5/3। एक बार इसका भी बट्टा का जोड़ कर लीजिए 3 हो जाएगा, ये आपका होगा 3 × 9 - 3 और माइनस में 1 = 5/3। ये देखिए -3 - -1 - -4/5 = 5/3 घटाइएगा तो हो जाएगा ये 5/3 और ये भी हो जाएगा 5/3। बताइए इसमें संबंध है कि नहीं, रिलेशन है तभी तो बराबर है। ये हो गया पहला आपका फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड नंबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा α × β, β × γ और γ × α या α × γ होता क्या है तो ये आपका होता है c/a। अगर अभी भी ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो इससे भी बेहतरीन ट्रिक आपके लिए हम लाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए α × β, अल्फा कितना 3 × β कितना -1 प्लस, बीटा है -1 और α कितना है, गामा है -1/3 और प्लस गामा है -1/3 में हो जाएगा अल्फा है 3 बराबर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा,
ऐसे इनटू कर देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, सी क्या है, तो क्वेश्चन में सी है आपका माइनस ग्यारह, ए क्या है, तो ए है आपका तीन। इसको सॉल्व कीजिए, तीन में एक से जब गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में तीन, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। और एक बट्टा तीन में एक बट्टा तीन से जब गुणा कीजिए, एक से गुणा कीजिएगा तो ये डायरेक्ट प्लस में होगा एक बट्टा तीन। और यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, माइनस तीन हो जाएगा, तीन बट्टा तीन बराबर में ग्यारह बट्टा तीन। ये कटाइए या फिर बट्टा का जोड़ कीजिए, आपकी मर्जी। थ्री एलसीएम होगा, माइनस तीन थ्री का नौ, अब प्लस हो जाएगा वन माइनस थ्री बराबर माइनस ग्यारह बट्टा तीन। माइनस तीन और माइनस नौ कितना होता है, माइनस में हो जाएगा बारह बट्टा में तीन, यहाँ पे क्या दिया है एक दिया है प्लस में, बराबर माइनस ग्यारह बट्टा तीन। यहाँ जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा ग्यारह बट्टा तीन और बराबर में माइनस ग्यारह बट्टा तीन। अब बताइए यहाँ पे ये दोनों बराबर, इसका मतलब रिलेशन है, यानी दोनों में संबंध है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, पहला पर भी आ गया, दूसरा पर भी आ गया। अगर अब भी आपको डाउट लग रहा है कि ये संबंध दोनों में नहीं है, यानी कि आपका ये क्या बोलते हैं ये आपका x का वैल्यू यानी शून्यक में और गुणांक में संबंध नहीं है, ठीक है, तो एक बार और आप जांच कीजिएगा वो कौन सा फॉर्मूला है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, स्मॉल d देते हैं a। ये तीनों का वैल्यू यहाँ पे भर के गुणा कर लीजिएगा, और d कितना है, तो d यहाँ पे माइनस तीन है, तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ तीन प्लस में भरिएगा, आ ये कितना है तीन है, तो तीन से तीन कटेगा एक। इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोनों तरफ आ गया बराबर, तो समझिएगा कि इन दोनों जांच करने के बाद से यहाँ पे गुणांक यानी कि कोफिशियंट और शून्यक में संबंध है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, इसको आप खुद कीजिए थोड़ा सा, आप भी टेंथ का अगर तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और समझ में आ रहा है तो जरूर आपसे बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये फाइव नंबर एग्जाम्पल है, अब बिना देर के हम लोग देखते हैं सिक्स नंबर एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए उदाहरण नंबर सिक्स और सेवन समझते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। वैसे भी हम लोग डिवाइड जान चुके हैं कैसे वेरिएबल वाला यानी चर वाला हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स वाला, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ला के रख दो, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास एक्स है और एक्स वाई लाना है, तो हमारे पास वाई नहीं है सिर्फ एक्स है, तो वाई ला के साथ में रख देंगे, वाई साथ में रखने का मतलब गुणा कर देंगे वाई से, ठीक है, तो एक्स वाई हो जाएगा। पढ़ा तो होता ही नहीं, ऐसा थोड़ी है कि एक्स का टेबल हम लोग पढ़ेंगे तो होगा एक्स से कम एक्स, एक्स गुना दो वो एक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद भाग का जाँच करने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ले जाके चेक कर लेंगे, वेरीफाई भी हो जाएगा अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। डिवाइड कीजिए, यहाँ x प्लस टू से डिवाइड करना है, ठीक है, इधर साइड से हम लोग लिखे यहाँ पे x प्लस टू से डिवाइड, क्या लाना है हमको, टू एक्स स्क्वायर में थ्री एक्स प्लस वन से डिवाइड कीजिए। यहाँ देखिए हमारे पास सिर्फ है x, आई हमारा x दो को है और दो भी है, तो एक ठो दो चाहिए, आ यहाँ पे दो ठो x है, यहाँ एगो x है, और x एगो आ जाएगा तो हमारे पास दो गो x हो जाएगा, तो टू x से गुणा होगा, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर। लेकिन पास में दो भी है तो ये मुंह तो देखेगा नहीं, ये भी गुणा हो जाएगा, दो दूना कितना हो जाएगा चार एक्स, कटाइए इसको, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये भी माइनस कट जाएगा, यहाँ पे माइनस में एक्स बचेगा और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा वन, ठीक है। अब ये कटने का कोई चांस ही नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस, तो चार में से माइनस एक्स हो गया वन, यही आपका हो गया, यानी डिविडेंड कितना हो गया आपका, डिविडेंट हो गया ये, इसको बोलते हैं डिविडेंट। वैसे भी अगर यूक्लिड के माध्यम से पढ़े तो ए इसको बोलते हैं, बी इसको, क्यू इसको और आर इसको, एक बार वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिविडेंट, डी आई वी आई डी ई एन डी, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोसेंट, डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है, ठीक है, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो ये बीच वाला कितना दिया है, ये दिया है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखिए डिवाइजर, किससे भाग दे रहा है, जिससे भाग देते हैं उसी को डिवाइजर कहते हैं, x प्लस टू। आंसर क्या आया है आपका, यहाँ पे आया है 2x, ठीक है, और जोड़ना क्या है आपको, शेष माइनस एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2x में एक से तो 2x स्क्वायर, दो दूना चार एक्स, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस में वन, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो टू एक्स स्क्वायर, चार में से एक एक्स जाएगा तो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस में वन, आ गया कि नहीं, ये बीच वाला
यही तो है जो हमारा डिविडेंड मिल गया इधर, इसको इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, डिविडेंड कितना आया था, 2x² - 3x + 1, यहाँ पे प्लस होगा, दोनों आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देखिए, तो यही तो काम करना है, एज इट इज सेम। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप में लिखना चाहते हैं तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक है, कितना की जरूरत है, रिक्वायर्ड कितना है, 2x की जरूरत है, ये लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2x से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x² हमको प्राप्त होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, कटाने के बाद हमको क्या मिला है, ये मिला है, तो यही आपका रिमाइंडर बच गया, ये लैंग्वेज में लिख दिया जाता है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, किससे डिवाइड करना है, x² प्लस में 2x और प्लस में 1 और अंदर रहेगा ये आपका x² + 2x + 5। हमको चाहिए 3x², हमारे पास कितना है, x² है, तो जब x² है तो यहाँ पे x का पावर 3 है, यानी एक ठो x चाहिए, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है तो एक ठो 3 चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x³। ठीक है, और ये दो सब में गुणा होगा, इससे सब में होगा, 3 × 6x², ये हो जाएगा आपका 3x। सिंबल बदलिए, सिंबल बदलने के बाद ये कट जाएगा, और 6x² में से 1x² जाएगा तो 5x², और बड़ा वाला का सिंबल माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 3 में से 2x जाएगा तो हो जाएगा माइनस में x, बाकी उतार दीजिए। अब हमको क्या चाहिए, x² 5x² चाहिए, सिर्फ माइनस 5 में गुणा कर दीजिए, माइनस 5 से, तो ये हो जाएगा माइनस 5x², 5 × 2 आपका हो जाएगा माइनस में 10x, और 5 × 1 = 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको कटा के सिंबल बदलिए, पहले ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये कट जाएगा, 10 में से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, यही आपका शेष बचा। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला आप अपना सकते हैं, डिवाइजर वाला। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष, इसको इसको गुणा कीजिए और ये जोड़ दीजिए, बीच वाला मिल गया तो सही है। ठीक है, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, x² + 2x + 1 में कितना से गुणा करना है, 3x - 5 से, या जोड़ कितना देना है, 9x + 10, ये वाला जोड़ देना है, गुणा कीजिए। देखिए, ब्रैकेट वाला गुणा हम बताए थे, एक जो भी यहाँ पे दिया, इससे दोनों में गुणा, फिर इससे दोनों में गुणा, फिर इससे दोनों में गुणा, या फिर इससे तीनों में, इससे तीनों में, आपको जो अच्छा लगे कीजिए। ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या रहता है उससे आने वाला संख्या में सब में गुणा होता है। x में इससे गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 3x³, x² में 5 से कीजिएगा तो -5x² हो जाएगा, ये दोनों में हो गया, फिर 2 में 3 से तो 3 × 6 इससे किए हैं, 3 × 2 हो गया 6, और x में 1 से तो x², यहाँ कीजिए 2 में 5 से तो 5 × 2 हो जाएगा आपका 10x, ये आपका हो गया यहाँ से, फिर 1 में 3 से कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3x, और यहाँ 1 में 5 से तो -5, और प्लस में 9x + 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3x², माइनस में यहाँ पे दिया है 5x², ये प्लस में 6x², तो घटेगा तो एक बचेगा आपका प्लस में x², यहाँ देखिए तो x वाला 3 है तो प्लस में 9 और 3 11x में से 10x जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x, और यहाँ पे नंबर बचा है 10 और 5 तो 10 में से 5 जाएगा 5, तो यही आपका बचा है। देखिए बीच वाला सेम अगर है तो सही है, इसका मतलब हमारा डिवाइड लैंग्वेज लिखना होगा, तो जितना बार डिवाइड किए हैं उतना स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीका से आया होगा। तो बिना देर किए हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 आपको खुद बनाना है, क्योंकि कई बार हम डिवाइड वाला क्वेश्चन बता दिए, डिवाइड करना है ये वाला और इससे डिवाइड करना है, आप सीधा करके कर लीजिएगा, उसके बाद से वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये तो बता चुके हैं ना, वही फॉर्मूला है डिवाइजर वाला, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाला। ठीक है, यानी इस पर भी कर सकते हैं, ये बराबर BQ+, और इसी पर भर करके दोनों को बराबर ला देना है, यही क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद से दोनों साइड वाले को गुणा करते हैं, नीचे वाला शेष जोड़ते हैं तो बीच वाला मिल जाता है, यही आपको करना है, आपको ये खुद करना है। हम आपको 9 नंबर बता रहे हैं एग्जांपल जो है, ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं। देखिए, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x⁴ - 3x⁴ - 3x² - 6x - 2 इफ यू नो दैट
टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट टू एंड माइनस रूट टू। समझिएगा, कह रहा है कि इसका सभी जीरोज ज्ञात करना है। जीरोज का मतलब एक्स का वैल्यू। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो सकता है। तो चार हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर जितना होता है उतना ही एक्स का मान निकलता है। ठीक है, इसको डिग्री भी बोलते हैं। इसमें पूछा जाएगा डिग्री कितना है, तो हाइएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, यानी कि घात बोलते हैं। चार ठो निकालना है, दो ठो आपका जीरो यानी शून्यक दे दिया है, शून्यक और दो ठो निकालना है। शून्यक क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पे शून्यक एक दिया है रूट टू, और एक दिया है शून्यक माइनस रूट टू। ठीक है, तो शून्यक को हम एक्स भी तो कहते हैं, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट टू, और एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस रूट टू। ये माइनस में है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा रूट टू, और यहाँ पे देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा रूट टू। बराबर इधर जीरो लिख दो, इधर भी जीरो होगा, दोनों को पास में रखते हैं। ठीक है, अब बताइए ये दोनों एक जैसा है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी दो ठो है तो पहला वाला का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर, बराबर में जीरो। स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से ये रूट खत्म, माइनस में दो, बराबर में क्या आ गया, जीरो। ठीक है, ये आपका मिला, ये इसको फैक्टर बोल सकते हैं, एफ ए सी टी ओ आर। किसका फैक्टर है, तो ये पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन है ना, इसी का फैक्टर है। अब इससे हम इसमें भाग देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू में यहाँ डिवाइड करना है, टू एक्स का पावर फोर माइनस थ्री एक्स का पावर थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे चार ठो है तो दो ठो एक्स की ज़रूरत है, और एक दो भी है तभी तो एक जैसा होगा। यहाँ हो जाएगा टू एक्स का पावर फोर, ये हो जाएगा दो दूना कितना हो जाएगा, चार एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो सिंबल बदलिए, माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस थ्री एक्स का पावर थ्री, चार में से तीन जाएगा तो हो जाएगा प्लस में एक्स, सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि ये चार ठो प्लस में है और सब बाकी सब आप उतार दीजिए। ये देखिए, तो हमको क्या लाना है, अब थ्री एक्स का पावर थ्री माइनस में, हमको हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, यानी दो ठो एक्स हमारे पास है तो एक ठो एक्स की जरूरत है, एक ठो माइनस थ्री एक्स की जरूरत है। जब इसमें गुणा कीजिएगा तो होगा थ्री एक्स का पावर थ्री, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तीन दूना छः एक्स, ये सिंबल बदलिए, ये दोनों कट गया, बचा कितना एक्स स्क्वायर माइनस टू कितना होगा, तो यहाँ पे वन से देखिए दोनों तो सेम है तो कोई असर नहीं पड़ा, इसीलिए प्लस वन से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस टू सिंबल बदलिएगा, कट जाएगा जीरो आया। ठीक है, जब हमारे पास जीरो आएगा तो यही तो नंबर मिला, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस में वन। इसी को हम लोग तोड़ दे, देखिए दो ठो शून्यक दे दिया गया है, जब दो ठो शून्यक दे दिया और दो ठो शून्यक निकालना है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस, इससे और दो ठो निकल जाए, क्योंकि जिसका पावर दो होता है उसमें दो और एक्स्ट्रा निकलता है एक्स का मान। तो यहाँ पे आप तोड़ दीजिए टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखिए आप टू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एक्स वन हो जाएगा, दो और एक तीन एक्स और टू एक्स स्क्वायर, दोनों में से दो एक्स कॉमन निकालिएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वन, और यहाँ पे निकालिएगा जब आप, ये टू एक्स और एक तीन एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे डायरेक्ट आप प्लस में वन निकालिए तो कोई असर, लेकिन माइनस में निकालिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आप निकालिए माइनस में वन तो हो जाएगा एक्स माइनस वन, जब यहाँ पे ये निकलेगा तो हो जाएगा टू एक्स माइनस वन, और एक अंदर वाला लिख दीजिए x माइनस वन, बराबर में होता है जीरो। इस हिसाब से तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक बार इसको जीरो के बराबर कीजिए, 2x माइनस वन बराबर जीरो, तो 2x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में वन, और x बराबर वन बाई टू, और एक बार इसको तोड़िए, x माइनस वन बराबर जीरो तो x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में वन हो जाएगा। देखिए इसमें मिस्टेक कहाँ कहाँ होता है हम आपको बता दे रहे हैं, कहीं माइनस छूट जाएगा तो कहीं प्लस के जगह पे माइनस, इस सबसे मिस्टेक होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को देखिए कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा था, इसका मतलब माइनस प्लस हम लोग का स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, कहीं गलती से छूट जाए, बाय मिस्टेक भी छूट गया तो पूरा का पूरा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक ठो शून्यक निकला ये और एक ठो निकला ये, और ऑलरेडी दो ठो शून्यक आपको पता है तो दोनों मिला के चार ठो हमारा शून्यक तो हो ही गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा और आपको बहुत ही बेहतरीन लगा हो। अगर बहुत ही बेहतरीन लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये नोटिफिकेशन उन बच्चों के पास पहुँचे जो क्लास टेंथ का बहुत ही बेहतरीन मार्क्स ला के सबको मोटिवेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अब लोग अगले अब लेसन में, लेसन थ्री। तब तक के लिए जय हिंद।